विक्रम सिंह है, सूबेदार जाबराम चौधरी जजेस निवासी हूँ। काल श्याम की मान गोत करी की रिपोर्ट मिली, जना आ सूचना में थाना अधिकारी वगैरह ने दी जी के मैं कपिल जी एचरा मारे जो प्रधान ही गौशाला चलाऊ बैठक पर आवा हा और वे सरपंच प्रतिनिधि है, मैं सरपंच पति वो पैसा लेके ट्रक पर आवे। अब ट्रक की मेरी सूचना पुलिस ने दे दी, जना मारा हूँ ईर्षा करके सिर फोड़ दिया और काल नाया का घर में भी श्याम की बठे भी घटना घटी मारे साथ गए और आज या ताजा है ही ऐसे में टाँका वगैरह आए हैं जो कपिल जी का परिवार का आदमी है। मतलब गाय की रक्षा करने वाला आदमी के साथ में या जीव की रक्षा करने वाला के साथ में पीड़ा हुआ बात तो आम जनता की सबकी पीड़ा है और आके प्रशासन से आशा रखा कि सख्त से सख्त कार्रवाई करके और दो से अन सजा मिले। दूध को दूध पानी को पानी तो होना चाहिए, सच्चाई तो जीवित रहेगी और हमारे पास तो हनुमान जी महाराज गौ माता रक्षा करेगी आप जैसे सज्जना को आशीर्वाद। जो गौ तस्करी का जो काम है अभी जो सुनने में आया है कि लंबे समय से ये लोग गौ तस्करी कर रहे हैं और कल रात को भी इसी में जो घटना हुई उसके अंदर ये है कि जो गांव के गौ रक्षक थे उनको दिन से ये सूचना थी कि आज रात को यहाँ का सरपंच प्रतिनिधि है कपिल एचरा जो कुछ लोगों के साथ में मिलके और यहाँ से गायों का ट्रक भरेगा। तो जब ये मेवातियों के साथ में मिलके और उन्होंने वहाँ पे गायों को भरने के लिए ट्रक लगाया तो जो गांव के गौ रक्षक थे उन्होंने उसको रोकने की कोशिश करी तो कपिल एचरा ने अपने साथियों के साथ मिलके और उनको डराने धमकाने का काम किया कि आप हमारे को गायों का ट्रक भरने दो, आप हमारे को डिस्टर्ब मत करो वरना हमें आपको मारेंगे पीटेंगे। उसके बावजूद इन लोगों ने पूरा उनका संघर्ष किया उनके साथ में और फिर पुलिस को सूचना दी और पुलिस थाना अधिकारी सरदार मलजी मुकुलगढ़ मंडी से इन्होंने मौके पे पहुंच के और ये जो इधर ट्रक खड़ा है इस ट्रक को जब्त किया। इस ट्रक के अंदर 14 गायें मतलब कुर्ता पुरुष जिनके मुंह बंधे हुए थे, पैर बंधे हुए थे और उनको ठूंस रखे थी इसके अंदर। और जब सरदार मलजी जाप्ते के साथ में वहाँ पे पहुँचे तो जो गौ तस्कर थे जो मेवात से आए हुए थे कपिल एचरा था इसके जो गांव के जो साथी थे वो वहाँ से भग गए और उसके बाद में थानेदार जी ने ये ट्रक जब्त करके उस गायों को गौशाला में लाए, उनका मेडिकल करवाया और जो नियम कानून के अनुसार जो कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई कर रहे हैं। और इसी के अंदर क्या हुआ, जो गांव के जो गौ रक्षक थे जिन्होंने ये कार्रवाई करी इनको गायों को भरने से रोका उन पे कपिल एचरा ने अपने साथियों के साथ में मिलके और जानलेवा हमला किया जिसमें मतलब ये माता जी हैं, ये बुजुर्ग हैं, इनके चोटें आई हैं और एक इनका भांजा था सतपाल जो जिसके ज़्यादा सीरियस है और वो झुंझुनू एडमिट है, उसका इलाज चल रहा है। उसके अभी FIR दर्ज नहीं हुई है, उसकी FIR दर्ज हो रही है, मेडिकल हुआ भी। उसका मेडिकल हो रहा है। उसके बाद में कानूनी कार्रवाई इन पे थानेदार जी से मिले हैं, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि भाई मैं जो दूध का दूध और पानी का पानी करूंगा और इनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। अगर कार्रवाई नहीं होती है, इसमें कोई भी ढिलाई बरती जाती है तो हम इसके लिए अगर कोई बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा तो वो भी करेंगे, पर इनका दूध का दूध और पानी का पानी करवाएंगे। ये जो गौ रक्षक हैं इनको पुलिस हिरासत में भिजवा के जेल भिजवाने का काम करेंगे। पिछले एक साल से सूचना मिल रही थी कि वहाँ पे लोकल कुछ लोग मिलकर गौ तस्करी कर रहे हैं तो उसकी सूचना हमें मिली, वो सूचना यहाँ पे पुलिस प्रशासन को दी गई। मौके पे जब पहुँचे तो वहाँ पे एक ट्रक था मेवात का जिसकी पूरी सूचना यहाँ मिल गई है कौन मालिक है क्या है और वहाँ पे करीब 14 गोवंश उसमें ट्रक के अंदर डाले हुए थे और पशु क्रूरता के हिसाब से वो थे, उनके मुंह बंधे हुए थे, उनके पांव भी बंधे हुए थे और उनको कहीं मतलब एक तरह से बोलते हैं बुचड़खाने में लेके जाने की उनकी क्रिया थी। मौके पे टीम पहुंची, पशु क्रूरता अपनी समिति के सदस्य प्रवीण जयस्वामी मौके पर पहुंचे और भी काफ़ी टीम थी, ट्रक को यहाँ पर लेके आए हैं और जो भी गाय थी उसको प्रॉपर एक जो प्रोसेस होता है कानून के हिसाब से सरदार मन सिंह जी ने उसको प्रॉपर फॉलो किया और जो गोवंश है उसको अपने गौशाला में छोड़ दिया है और एक प्रॉपर FIR दर्ज हुई है जिसके अंदर मुख्य आरोपी अपने जेजू सर के सरपंच प्रतिनिधि कपिल एचरा हैं। उस पर भी जांच होगी कैसे क्या है और ये सब इसके अंदर है। इसके साथ भी मारपीट हुई है वो पूरी, इसकी FIR दर्ज हो रही है। वो हमारे गौसेवक इसके अपने सदस्य थे, बहुत अच्छे गौसेवक हैं। अब उनकी मारपीट की क्या सूचना आगे कंप्लीट है वो उसका एक सेकंड मैटर होगा और जो भी आगे इसमें जो भी दोषी व्यक्ति है उसकी गिरफ्तारी होगी कानून के हिसाब से, क्योंकि उन्होंने गोरक्षा के लिए काम किया। अब गोरक्षा के लिए अगर उसका खून बहा है तो ये तो बड़ी विचारणीय विषय है। पूरे अपने झुंझुनू जिले के अंदर करीब 20,000 से ज़्यादा गौसेवक हैं, जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो होगी, लेकिन जिसने भी गौसेवक पे हाथ लगाया है ना कार्रवाई निश्चित रूप से होगी, उन्हें दिमाग से निकाल। तमाम गोवंश की मेडिकल भी हुआ है और अब उन्हें बिल्कुल मेडिकल हुआ है, प्रॉपर उसको किया है। इस चीज़ की सूचना अपने राजू जी डॉक्टर को लगी तो स्पेशलिस्ट चीज़ में आए हैं और बाकी की सूचना आपको ये दें, क्योंकि कल राणासरी थे उस टाइम पर जब ये घटना हुई।